तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। तो मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी M4 वर्सेस OG3 और उसमें मैंने इन दोनों गन की स्टैट्स और मैकेनिज्म्स को साइड बाय साइड कंपैरिजन करा था और बाद में ये बताया था कि इन दोनों में से कौन सी गन बेस्ट रहेगी आपके लिए। अगर आपने अभी तक वाली वीडियो नहीं देखी है तो वाली वीडियो साथ में उसी की जैसी दो और वीडियो ऊपर आयोगन पे आ रही होगी, वहां से जाके आप इन तीनों ही वीडियो को देख सकते हो। साथ में जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो जो तीन वीडियो है वो है M4 वर्सेस QBZ, M4 वर्सेस OG3 और AKM वर्सेस ग्रोजा। तो जिसको आपको देखना है आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब मैं M4 वर्सेस OG3 का कंपैरिजन वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं तब इस वीडियो का क्या मतलब है। तो असल में यार जब मैंने वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने दो चीजें बोली थी। पहला तो ये कि OG3 और M4 का जो डैमेज है वो सेम है, और जो दूसरी बात मैंने बोली थी वो ये थी कि OG3 और M4 का जो रेट ऑफ फायर है वो भी सेम है। अब इससे कुछ लोग डिसएग्री कर रहे थे क्योंकि उनका ये मानना था कि OG3 का जो डैमेज है वो M4 से ज्यादा है, वहीं जो रेट ऑफ फायर है वो M4 का ज्यादा है, OG3 का थोड़ा सा कम है। अब क्योंकि ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी तो मुझे लगा कि जो मैंने टेस्ट कर रखे हैं उन्हीं को आपको शो कर देता हूं कि आखिर मैंने ये कैसे बोला था कि OG3 का डैमेज जो है वो M4 के बराबर है और जो रेट ऑफ फायर इन दोनों गन का है वो भी बराबर है। तो आज की वीडियो में आपको दो टेस्ट करके दिखाऊंगा। पहला होगा पर बुलेट डैमेज टेस्ट, जिसमें हम लोग एक बुलेट का डैमेज चेक करेंगे 100 मीटर और 50 मीटर पे, और दूसरा जो टेस्ट होगा वो होगा रेट ऑफ फायर टेस्ट। इसमें हम दोनों ही गन का साइड बाय साइड रेट ऑफ फायर टेस्ट करेंगे स्लो मोशन में, जिससे आपको ये बहुत अच्छे से अंदाजा लग जाएगा कि किस गन का रेट ऑफ फायर कितना ज्यादा है। अब यार इस वीडियो को बनाने के पीछे काफी ज्यादा मेहनत लगी है, तो ये पसंद आती है तो इसे थम्स अप देना बिल्कुल भूलना। चैनल पर नए हो मेरे भाई तो अभी सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को प्लीज मेरे भाई शेयर कर देना। तो चलो यार पंचायत शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले जो हम लोग टेस्ट करेंगे वो है डैमेज ड्रॉप ऑफ टेस्ट। ये असल में दो रेंज पे होगा, पहला होगा 100 मीटर के डिस्टेंस पे और दूसरा होगा 50 मीटर के डिस्टेंस पे। अब 100 मीटर वाला इस वजह से क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है बुलेट का जो डैमेज ड्रॉप ऑफ है वो भी बढ़ता है, मतलब डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाती है बुलेट का जो डैमेज है वो कम होने लगता है। और दूसरा टेस्ट जो हम लोग करेंगे 50 मीटर पे वो असल में क्लोज टू मिड रेंज कॉम्बैट को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें डैमेज ड्रॉप ऑफ नहीं होता है। और फिर मैं इन दोनों ही गन्स का जो डैमेज है वो आपको कंपेयर करके दिखा दूंगा, जिससे आपको ये बहुत अच्छे से अंदाजा लग जाएगा कि क्या दोनों गन बराबर डैमेज कर रही है या कोई गन ऐसी है जो ज्यादा डैमेज कर रही है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं 100 मीटर वाला टेस्ट। यहाँ पर यार दो लोग हैं, एक मैं हूँ और एक गेमएक्स प्रो है। भाई यार इन्होंने मेरी इस टेस्ट को करने में काफी हेल्प करी है, तो अगर आपने इनका अभी तक चैनल नहीं देखा यार तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, इनका चैनल देखो, ये भी कमाल का कंटेंट बनाते हैं। तो फिलहाल इसमें हम लोग करेंगे ये कि हम लोग के पास दो गन है M4 और OG3, हम दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर का, मैं इनके ऊपर एक बुलेट शूट करूंगा और हेडशॉट मारूंगा। उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे कि M4 ने ज्यादा हेडशॉट का डैमेज करा है या फिर OG3 ने, और ये जो रेंज है ये 100 मीटर की है। अब दोनों ही रेंजेस पे जो डैमेज टेस्ट है वो हो चुका है, अब इनको कंपेयर करते हैं। तो अगर 100 मीटर पे हम इन दोनों ही गन का डैमेज टेस्ट देखें तो ये दोनों गन एकदम बराबर हैं, एकदम बराबर है मेरे भाई। अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में देखूं तो OG3 ने बहुत जरा सा एक्स्ट्रा डैमेज कराया है, ये 0.5 से भी कम होगा, मतलब एक बार का भी ये डैमेज नहीं है, ये 0.5 से भी कम का है। तो अगर लॉन्ग रेंज की बात करें तो वहां पर भी ये दोनों गन बराबर डैमेज करती है, बस जो डिफरेंस है वो डैमेज ड्रॉप ऑफ का है। और अगर 50 मीटर पे हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पर डैमेज ड्रॉप ऑफ काम नहीं करता है, और यहाँ पर अगर इन दोनों ही गन का आप डैमेज देखोगे तो वो एकदम सेम है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि OG3 और M4 का जो डैमेज है पर बुलेट का वो एकदम एग्जैक्टली सेम है। जो डिफरेंस बनता है वो यार खाली डैमेज ड्रॉप ऑफ की वजह से बनता है, जो ऑलरेडी मैंने अपनी उस वीडियो में आपको बताया हुआ है। अब यार जो अगला टेस्ट हम लोग करेंगे वो है रेट ऑफ फायर टेस्ट। अब यार इसी के लिए सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन आए थे, तो ये टेस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यार ये टेस्ट बहुत ज्यादा आसान है, इसमें मैं इन दोनों ही गन को ले लूंगा M4 और OG3, और इनकी जो बेस मैगजीन साइज होती है 30 बुलेट की उसको ऑटो फायर मोड में खाली कर दूंगा, और इस टेस्ट को मैं आपको स्लो मोशन में दिखाऊंगा, जिससे आपको ये बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या इन दोनों गन के फायर रेट में कुछ डिफरेंस है या फिर नहीं है। तो
अब यहाँ पर आपने स्लो मोशन में इन दोनों ही गन के रेट ऑफ फायर को देख लिया है। अब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि इन दोनों गन के रेट ऑफ फायर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर होगा भी तो वो माइक्रो सेकंड का होगा जिसको आप निगलेक्ट कर सकते हो। अब यार सही बताऊं तो मुझे रेट ऑफ फायर में कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। ये जो माइक्रो सेकंड का मैं मार रहा हूँ, ये इस वजह से मार रहा हूँ कि हो सकता है कि कोई चांस हो कि M4 का रेट ऑफ फायर थोड़ा ज्यादा हो। बिकॉज PUBG मोबाइल का जो वेपन अर्सेनल है वहां पर हमको कुछ स्टैट्स प्रोवाइड करे जाते हैं, और अगर उन स्टैट्स को देखो तो वहां पर रेट ऑफ फायर को फायरिंग स्पीड कहकर रिफर करा जा रहा है। तो वहां पर अगर हम लोग फायरिंग स्पीड को देखें तो M4 का जो रेट ऑफ फायर है वो काफी ज्यादा वहां पर शो करा जा रहा है। तो इस वजह से मुझे लगा था यार कि M4 बहुत आसानी से जीत जाएगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। AUG A3 और M4 का एकदम मुझे रेट ऑफ फायर बराबर लगा, लेकिन मैं थोड़ा सा माइक्रो सेकंड का डिफरेंस इस वजह से छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं सेफ खेलना चाहता हूँ यहाँ पर। अब साथ ही साथ ऑफिशियल स्टैट्स की बात हो रही है तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं पावर की भी। अब यार असल में डैमेज की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन PUBG मोबाइल में डैमेज का कोई भी स्टैट नहीं है, यहाँ पर पावर का स्टैट है। अब PUBG PC में हिट पावर बहुत ही अलग चीज़ है, डैमेज अलग चीज़ है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर डैमेज को पावर कह के रिफर करा जा रहा है। तो अगर आप इन दोनों ही गन का पावर या फिर डैमेज देखोगे तो वो दोनों एकदम इक्विवेलेंट है मेरे भाई, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो कुल मिला के मैंने जो दो बातें आपसे बोली थी कि M4 और AUG A3 का रेट ऑफ फायर और पर बुलेट डैमेज सेम है, वो मेरे हिसाब से सही है और मैंने आपको टेस्ट करके भी दिखा दिया है। अब यार यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, जिसे सुन लो तो ये जो पूरी कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है ना, इसको आप बहुत अच्छे समझ लोगे। यार देखो, जितने भी आप स्टैट्स गूगल वगैरह पढ़ते हो, जितने भी आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखते हो, उसमें जो भी आपको स्टैट्स प्रोवाइड करे जाते हैं वो यार PUBG PC के होते हैं, ना कि PUBG मोबाइल के। अब मानो ना मानो, PUBG PC और PUBG मोबाइल में भी जमीन आसमान का फर्क है। PUBG मोबाइल बहुत पीछे अभी PUBG PC के मुकाबले में। PUBG PC में ज्यादातर फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं और वहाँ जो चेंजेस होते हैं, वहाँ ज्यादातर अपडेट बहुत बड़े बड़े नहीं आते जैसे आपको PUBG मोबाइल में मिलते हैं। वहाँ पर वेपन बैलेंस किए जाते हैं, किसी वेपन का रिकॉइल बढ़ाया जाता है तो किसी का घटाया जाता है, किसी का डैमेज पर बुलेट बढ़ाया जाता है तो किसी का घटाया जाता है, ऐसे किसी का फायर रेट बढ़ाया जाता है तो घटाया जाता है, लेकिन PUBG मोबाइल में ऐसा रेयरली ही होता है। तो यार जो भी स्टैट्स आप पढ़ रहे हो इंटरनेट पे, गूगल वगैरह पे, वो सब PUBG PC के, और ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ यार ये जो डाउट्स थे मैंने क्लियर कर दिए। भाई सच बोलूँ तो इन टेस्ट के साथ मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि ये जो भी टेस्ट हैं ये मैंने एक फ़ोन से करे हैं, और फ़ोन यार उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता जितना कि एक PC होता है, और PC भाई के पास है नहीं। लेकिन यार फिर भी मैं जितना ज़्यादा अनबायस्ड हो सकता था, जितना ज़्यादा अच्छा टेस्ट कर सकता था, वो मैंने आपके लिए कर लिया। अब आप कमेंट बताओ कि इन टेस्ट से आप सेटिस्फाइड हो या फिर नहीं हो। तो यार अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे थम्स अप देना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए हो मेरे भाई तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लो, और प्लीज़ मेरे भाई इस वीडियो को शेयर कर लो, इसको बनाने के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।